जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपके अपनी YouTube फैमिली कुमार एस के सर में। कैसे हैं मेरे सभी साथी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने मेडिकल और फिजिकल में व्यस्त होंगे। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेडिकल अनफिट पॉइंट के बारे में और उनकी एक्सरसाइज के बारे में कि ऐसे कौन कौन से ऐसे मेडिकली अनफिट पॉइंट है जिसमें आप क्या है कि एक्सरसाइज करके भी आप फिट हो सकते हो। वो कंप्लीट डिटेल्स हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है। और आप अगर इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आपका किसी भी प्रकार का मेडिकल हो, चाहे SSC, GD, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, अग्निवीर, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही शानदार और जानदार रहने वाला है। आप गलती है, ऐसी गलती मेडिकल में नहीं करना। छोटी छोटी गलतियां करके क्या है कि कैंडिडेट अनफिट हो जाते हैं, तो वो गलती है आप लोगों का नहीं करना। जो आपका मेडिकल होता है वो लास्ट चरण में होता है, जिसकी वजह से आपका रिटर्न एग्जाम और आपके जो फिजिकल की तैयारी है वो भी क्या है कि वेस्ट चला जाता है। तो आपको ऐसी गलतियां है वो नहीं करना है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं। एक SSC GD कैंडिडेट ने पूछा था कि सर, SLE के कारण भी क्या है कि मेडिकली अनफिट कर देते हैं। तो SLE होता क्या है, सबसे पहले मैं बता दूं कि सिस्टम ल्यूपस एरिथेमेटोसस, इस प्रकार का ये एक बीमारी है। इसमें आपके सामान्यतः है वो क्या है कि आपके त्वचा को जो उत्तक होते हैं उन पर हानिकारक होता है, और साथ साथ आपके जो जोड़े और गुर्दे और मस्तिष्क पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है। तो अगर आपके जो त्वचा की बात करें तो आपका त्वचा का रंग है वो इस तरीके से आपके धब्बे बन जाते हैं त्वचा पर, जनरली देखा जाता है तो चेहरे पर है इस प्रकार से ये बन जाता है। तो इस प्रकार के अगर आपके भी किसी स्किन पर बहुत ज्यादा अगर इस प्रकार के धब्बे बने हुए हैं तो ये भी क्या है कि एक अनफिट पॉइंट है। ये क्या है कि एक SLE का एक बीमारी है। तो ये जनरली क्या है कि आप इसका ट्रीटमेंट लेकर है वो जनरली फिट हो सकते हो। मात्र है वो आपका 25 दिन अगर आप इसका ट्रीटमेंट ले लोगे तो ये जनरली क्या है कि ठीक हो जाएगा और आप मेडिकली फिट हो जाओगे। और ये एक फीमेल कैंडिडेट ने पूछा था कि क्या सर, डीपनेस का भी पॉइंट मिलता है क्या? डीपनेस होता है क्या है? सबसे पहले मैं बता दूं, डीपनेस होता है जो बहरापन होता है डीपनेस। तो डीपनेस के अंदर अगर आपका भी किसी प्रकार का डीपनेस है तो वो भी क्या है कि एक मेडिकली अनफिट पॉइंट है। अगर आपके नॉर्मल से थोड़ा सा क्या है कि अगर डीपनेस है तो क्या है कि जनरली फिट हो जाता है, परंतु आपको बहरेपन की बहुत ज्यादा शिकायत है तो वहां पर क्या है कि आपको अनफिट होना पड़ेगा। इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका आप ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करिए। अगर आपका जो ऑपरेशन होगा तो आपका 4 मंथ पुराना सर्जरी है वो क्या है कि आपका कान का सर्जरी है वो फिट हो जाता है। अगर आपके भी किसी प्रकार का प्रॉब्लम है तो 4 महीना पुराना सर्जरी है वो फिट हो जाता है। और नेक्स्ट पिक की बात करें तो ये फीमेल कैंडिडेट है जिनके क्या है कि TNS बना हुआ है। TNS की बात करें तो आपके माइल्ड DNS है वो जनरली फिट हो जाता है, परंतु अगर मॉडरेट DNS ओ है तो आपको क्या है कि सर्जरी करवा लेना है। और इसको आप अगर माइल्ड DNS है तो इसको क्या है कि आप योगा करके भी आप इसको ठीक कर सकते हो, परंतु अगर आपके मॉडरेट DNS है तो क्या है कि आपको अनफिट कर दिया जाओगे। और मॉडरेट DNS का अगर आपके भी पॉइंट बन रहा है तो उसका एक ही ट्रीटमेंट लेना है आपको, सर्जरी। सर्जरी लेने के बाद में है वो 1 मंथ पुराना सर्जरी है वो फिट हो जाता है, परंतु अगर आप मॉडरेट के साथ आते हो तो आप प्रॉब्लम हो सकते हो। और ये एक कैंडिडेट है जिनके क्या है कि चेस्ट है वो थोड़ा सा अनबैलेंस दिखाई दे रहा है। तो अगर आप जनरली क्या है कि पुशअप लगाओगे तो ये जनरली क्या है कि फिट हो जाएगा। पुशअप लगाने के 1 हैंड पुशअप लगाया करो इस हाथ से, तो ये जनरली क्या है कि आपका जो चेस्ट है वो डेवलप हो जाएगा, और डेवलप होने के बाद में वो दोनों चेस्ट है वो बराबर नजर आएंगे। तो आपको अगर इस प्रकार से डिसबैलेंस चेस्ट है तो इस प्रकार के आपको क्या है कि पुशअप लगाकर, तो आपको बटरफ्लाई वगैरह है वो लगाकर बैक शोल्डर के भी आपको क्या है कि इसके साथ साथ एक्सरसाइज चालू करना है, ताकि आपको क्या है कि आपका जो बॉडी का बैलेंस है वो पूरी तरीके से बना रहे। तो इस प्रकार का पॉइंट है तो आप जनरली है वो इसको आप फिजिकल एक्टिविटी से आप क्या है कि इसको ठीक कर सकते हो। और ये एक कैंडिडेट है जिनके क्या है कि यहाँ पर चोट का निशान बना हुआ है, तो ये मार्क बना हुआ है, तो ये जनरली क्या है कि फिट हो जाएगा। किसी प्रकार का अगर आपके बॉडी के अंदर फॉरेन बॉडी नहीं डला हुआ है तो वो क्या है कि जनरली फिट हो जाता है। हाँ, आपको रीमेडिकल जरूर मिल सकता है, जिसकी वजह से आपको क्या है कि रीमेडिकल तो इसलिए मिलेगा कि आपका बॉडी के अंदर अगर फॉरेन बॉडी तो नहीं है। अगर आप किसी प्रकार के अगर आपका एक्सीडेंट हुआ है या आपके पास किसी प्रकार के मेडिकल संबंधित कुछ डॉक्यूमेंट्स बने हुए हैं तो वो भी आप मेडिकल के समय लेकर जा सकते हो। और ये एक कैंडिडेट है जिनके क्या है कि अनेबल टू, ये एक मेल कैंडिडेट है जिनके क्या है कि
शोल्डर है वो अनबैलेंस है, यानी कि ये शोल्डर है वो क्या है कि नीचे की ओर नजर आ रहा है और ये शोल्डर है वो ऊपर की ओर उठा हुआ है। तो ये जनरली क्या है कि इसका पोस्चर है वो जनरली क्या है कि आपके खड़े होने का पोस्चर है वो क्या थोड़ा सा क्या है कि इसमें 19-20 का फर्क है। तो आप इसका क्या है कि खड़े होने का पोस्चर भी ठीक कर सकते हो, और अगर आप इसको ठीक करना चाहते हो तो जनरली है फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज से क्या है कि इसको जनरली ठीक भी कर सकते हो। अगर इस प्रकार का अगर पॉइंट बन रहा है तो ये भी क्या है कि एक मेडिकली अनफिट पॉइंट है, तो इस प्रकार की आपको गलती नहीं करना है। तो अगर आप इस प्रकार का अगर आप मेडिकल में पॉइंट लेकर जाते हो तो आप अनफिट हो जाओगे। तो ये एक कैंडिडेट है जिनको क्या है कि थोड़ा सा है हकलाहट, हकलाहट भी क्या है कि एक मेडिकली अनफिट पॉइंट है, इसका भी आपको क्या है कि ट्रीटमेंट ले लेना है। स्टेमरिंग का ये पॉइंट मिलता है, तो अगर आपके भी किसी प्रकार का हकलाहट है तो भी क्या है कि ये एक मेडिकली अनफिट पॉइंट है। हाँ, अगर आपके नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा अगर आप हकलाते हो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है आपको बोलने के अंदर हकलाहट के कारण, तो आप क्या क्या है कि वो भी क्या है कि एक अनफिट पॉइंट है। अगर आपके भी इसी प्रकार का अगर आपके हकलाहट है तो आपको क्या है कि मेडिकल में थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी है, और आपको क्या है कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस करके और वहाँ पर क्या है कि जो मेडिकल ऑफिसर बोलता है वैसे आपको जवाब देना है। तो ये भी एक क्या है कि एक मेडिकली अनफिट पॉइंट है। और ये मेल कैंडिडेट है जिनके क्या है कि फिंगर इस प्रकार का बना हुआ है, यहाँ पर चोट लगने के कारण इस प्रकार का बन गया है। तो अगर आपका फिंगर का ग्रिप अगर बिल्कुल ठीक है तो आप जनरली फिट हो जाओगे, और आपके जो डॉक्टर है वो आपके हाथ का ग्रिप है वो चेक करते हैं कि आपका जो हाथ की क्षमता है पकड़ने की क्षमता है वो कितनी है। तो अगर आपकी पूरी तरीके से पकड़ने की क्षमता पूरी तरीके से ठीक है तो आप जनरली क्या है कि फिट हो जाओगे। तो ये अगर इस प्रकार का पॉइंट है तो ये जनरली क्या है कि फिट पॉइंट है, इसमें आपको पॉइंट नहीं मिलने वाला। और ये एक कैंडिडेट है जिनके क्या है कि स्क्रैच मार्क बना हुआ है, जनरली देखा जाता है कि आपका जो स्क्रैच मार्क है वो आपके ओवर फेट के कारण हो जाता है, जिसकी वजह से आप क्या है कि आपका फेट कम होता है, जिसकी वजह से भी आपके स्क्रैच मार्क बन जाता है। जनरली देखा जाता है तो स्क्रैच मार्क है वो आपके आर्म्स पर या आपके पीठ पर या बटक्स के ऊपर इस प्रकार से ये बन जाता है। तो जनरली आपके ये फिट पॉइंट है, इसमें किसी प्रकार का आपको पॉइंट नहीं मिलने वाला। तो अगर आप भी इस प्रकार का पॉइंट है तो ये जनरली फिट हो जाओगे, इसमें कोई पॉइंट नहीं मिलने वाला। ये है एक फालन आर्च यानी कि फ्लैट फुट का पॉइंट है। फ्लैट फुट अगर आपके भी इस प्रकार का फालन आर्च क्या होता है कि आपका जो इस प्रकार का जो जनरली आर्च होता है वो क्या है कि नहीं रहता है, यानी कि आपको इस पैर का जो फुटप्रिंट लेते हो तब क्या है कि यहाँ से थोड़ा सा उठा हुआ नजर आता है। इस प्रकार का अगर आपके भी पैर का जो फुटप्रिंट है इस प्रकार से नहीं बन रहा है तो वो भी क्या है कि एक मेडिकली अनफिट पॉइंट है। तो इसका आपको कंप्लीट है जो वीडियो है वो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, फ्लैट फुट का कैसे आप घर बैठे ठीक कर सकते हो, और फेलन आर्च क्या है और आपका हाई आर्च क्या है वो भी कंप्लीट समझाया गया है। तो आप अपने जो पॉइंट बन रहा है उसकी एक्सरसाइज आपको जरूर करके ही जाना है, अन्यथा आपको क्या है कि मेडिकल में से बाहर कर दिए जाओगे। तो इस प्रकार का अगर फालन आर्च बन रहा है तो ये भी एक क्या मेडिकली अनफिट पॉइंट है। और ये कैंडिडेट पूछ रहे थे जिनके पाइल्स का प्रॉब्लम है, तो ग्रेड सेकंड का उनके पाइल्स बना हुआ है, तो इस प्रकार का अगर पाइल्स बना हुआ है तो वो भी क्या है कि एक मेडिकली अनफिट पॉइंट है। अगर पाइल्स की प्रॉब्लम है तो वहाँ पर क्या है कि अगर आपके सर्जरी तो इंटरनल पाइल्स और एक्सटर्नल पाइल्स दो प्रकार के होते हैं, तो इस प्रकार के पाइल्स के प्रॉब्लम अगर आपके हो रहा है तो आप सर्जन से कंसल्ट करिए, और आपका जो पाइल्स की है वो क्या है कि आप ट्रीटमेंट चालू कर दीजिए। अगर आपके ट्रीटमेंट से ठीक होता है तो ट्रीटमेंट ले लीजिएगा, 2 महीना बचा है अभी SSCGD का। और अगर आपके पाइल्स के अगर आपके सर्जरी होना क्या है तो आपको क्या है कि उसका लेजर ट्रीटमेंट करवा लेना है। लेजर ट्रीटमेंट करवा लोगे तो आपको क्या है कि मात्र 2 महीने के अंदर भी है आप क्या है कि फिट हो सकते हो। परंतु अगर आपने सर्जरी करवा लिया तब क्या है कि उसका सर्जरी है 6 मंथ पुराना है फिट होता है, और आप लेजर करवाने के बाद में क्या है कि आपका 2 महीने का पुराना सर्जरी भी है कोई पकड़ में नहीं आएगा तो आप क्या है कि मेडिकली आप फिट हो सकते हो। वहां पर क्या है कि आपको पाइल्स का सर्जरी है वो हिडन करना पड़ेगा और आप क्या है कि मेडिकली फिट हो जाओगे। तो ये थे आपके कुछ मेडिकल से संबंधित कुछ डाउट। अगर आपके भी किसी प्रकार का मेडिकल से संबंधित डाउट है तो आप इस नंबर पर मेरे को मैसेज कर सकते हो, ये केवल व्हाट्सएप मैसेज है। और कैंडिडेट्स को काफ़ी डाउट रहता है कि हाइपर हाइड्रोसिस में भी क्या पॉइंट मिलता है, तो हाइपर हाइड्रोसिस में भी आपको क्या है कि अनफिट कर दिया जाओगे। तो आप 7 से 10 दिन अगर आपके हाइपर हाइड्रोसिस का पॉइंट बन रहा है तो 7 से 10 दिन अगर आप उसका क्या है कि आयुर्वेदा में अच्छी तरीके से इलाज है वो यूज करने पर आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो वो भी इलाज का भी आपको क्या है कि कंप्लीट सॉल्यूशन इस नंबर पर मिल जाएगा। तो अगर आपको भी इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, और यह वीडियो आशा करता हूँ जानदार और शानदार रहा होगा। जय हिंद, मातरम।